कैसी चंडाल माँ है, बच्चे पे जरा भी प्यार नहीं आता। मम्मा चोने दो ना मम्मा, अच्छी मम्मा, अच्छी मम्मा, गंदी मम्मा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे। लेकिन मेरा ना गुड मॉर्निंग है ना ही हैप्पी संडे है, बिकॉज संडे का कोई प्लान नहीं है कि कुछ करें या कहीं जाएं या कुछ ऐसे, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है फिलहाल तो। और मॉर्निंग गुड इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी नाइट गुड नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी रात को नींद नहीं आई है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैं अभी तक जग रही हूँ, तो इसीलिए मेरी मॉर्निंग जो है वो गुड नहीं हुई। बट आज मेरा प्लान है कि संडे जो है मैंने सो के निकालना है, तो क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं मिलेगी तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे दिमाग पे प्रेशर डालती हूँ, जो बिला वजह ही होता है। मतलब उससे कुछ, उस प्रेशर से कुछ काम तो होता नहीं है, बट फिर क्या कर सकते हैं ना, कि एक नेचर बन जाता है इंसान का, तो फिर वो आदत बंदा चाह के भी नहीं छोड़ सकता। तो खैर, होप कि आप सब लोगों की जो है अच्छी सुबह हुई हो और अच्छा संडे जो है आपका जा रहा हो। तो अगर मैं, मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ, अगर मैं सो गई और मेरी नींद पूरी हो गई तो मैं कुछ रेसिपी जो है आज ट्राई करूँगी, जो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो बस अब सोच रही हूँ कि क्या बनाएं। कुछ स्पेशल संडे है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो स्पेशल होना चाहिए। तो मिलती हूँ फिर आपको। अगर एक नैप लगी तो नैप ले लूँगी, अगर पूरी नींद हुई तो पूरी नींद कर लूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपको आफ्टर डैट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मुझे सोना है, बट अभी तक नींद नहीं आई है मुझे। कितना टाइम हो रहा है? 12:29, 12:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। इनफैक्ट कि मैंने नींद की दवाई भी ली है बट अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है। और ब्रेकफास्ट किया था बट फिर से भूख लग गई, तो मैं खा रही हूँ अमरूद और पपीया। देखो शायद थोड़ी सी पेट में ये सब चीज़ें जाएं तो आँखों पे वजन आए। और आप मेरी आंखें देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये सोने वाली हुई है बट बंद नहीं हो रही है। तो कोशिश जारी है कि एक नैप ही हो जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, दुआ कीजिए कि मैं लंबे समय के लिए सो जाऊं, तब तक मुझे फ्रेश नहीं लगेगा। तो वहां से फ्रेश उठ के फिर आपके साथ में तगड़ी वाली रेसिपी मैं शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है क्योंकि मैं तकरीबन 12:30 बजे मैं सो गई थी और अब टाइम हो रहा है कुछ
5:54 छः बजने वाला है, तो अभी मैं तसल्ली से उठी हूँ और इवनिंग टी मैं पी रही हूँ। तो रेसिपी जो है वो था मेरा मन के बनाओ, लेकिन अब उठने के बाद जो है, और सही मतलब चीज़ बताऊँ आपको तो रेसिपी बनाने का फ़ायदा तब होता है कि जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो हमें बनाने की मतलब बनाने के टाइम पे चाहिए होती है। अब जो मुझे बनाना था उसमें कुछ है कुछ नहीं है, तो अब करूँ क्या। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं अभी सिंपल सा ही चिकन पुलाव जो है वो बनाने वाली हूँ। आज तो नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि कल रात को मैं सच में बिल्कुल डिस्टर्ब थी, मैं नहीं सो पाई। तो आज मैंने जो है मैंने अपनी मेडिसिन ली, जो मैं रात को लेती हूँ वो मेडिसिन मैंने दिन में ली, और अपनी वो जो कल रात वाली जो टाइम था वो मैंने कवर कर लिया और सो भी गई। और नींद में आप देख लीजिए मेहंदी भी मेरे को लग गई, अब कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लगा है क्या नहीं लगा है, तो अब बाद में पता चलेगा। तो बस अब चाय फिनिश करके चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में जाए बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। जब तक कि ना होगी पेट पूजा तब तक कि कोई नहीं होगी, ना होगा काम दूजा। क्योंकि तो नींद से भी उठी हूँ और साथ में जो प्रॉपर चीज़ मुझे जो करनी थी वो नहीं करने को मिल रही है, तो अब मन भी नहीं कर रहा कि मैं खाना तक बनाऊँ, लेकिन क्या करें मेरे साथ चार पेट और हैं तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा रेसिपी पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुकिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन मेरे मनपसंद का कुछ भी नहीं बन रहा है, बस बनाना है इसके लिए बना रही हूँ। आपने मेरे चैनल पर बहुत बार देखा होगा चिकन पुलाव, तो बस आज भी वही बन रहा है। बस आलू को हम अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने किचन में जुगाड़ क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर हीटर भी रखा है, मैं यहाँ पर चेयर पे बैठी हूँ और गैस को मैंने कर दिया है नीचे। तो ये आलू जो है फ्राई हो गए हैं, अब इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, दालचीनी। तो ये 1 किलो के हिसाब से बन रहा है पुलाव, तो उसके लिए ज़्यादा इसमें गरम मसाला जो है नहीं डालेंगे हम। तेज पत्ता भी थोड़ा ही डाला है हमें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। काली मिरी भी मैंने 7 से 8 काली मिरी डाली है। चार पांच लौंग डाली मैंने, अब इसमें जावित्री फूल। आज सच बोलो ना फ्रेंड्स, तो मेरा ना कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि जब बंदा कुछ सोचता है ना, क्योंकि वैसे भी मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं थी, रात भर का मैं सोई नहीं थी, उसके बाद में जो नींद है वो पूरी नहीं हो रही थी, उठ उठ के मतलब मैं आधे घंटे के बाद आँख खुल रही थी, तो उतनी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं सो पाई, तो बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से जो चीज़ बनाने के लिए मैं विलिंग थी
वो चीज के लिए मुझे सामान नहीं मिला, तो फिर थोड़ा सा ना मुझे अपसेट होना पड़ा कुकिंग को लेके। तो अब मैंने डाल दी इसमें प्याज, तो अब प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन हो गई है। इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिली जो हमने इस तरीके से काटा है, एक चिली की दो पार्ट की है। तो ये पुलाव भी मैं वाइट ही रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली, अदरवाइज मैं चिली पाउडर डालती हूँ, बट नहीं मैंने ग्रीन चिली डाली है। और प्याज में इसको इसलिए डाला है कि अच्छी तरीके से पक जाएगी, तब इसका जो तीखापन है वो अच्छी तरीके से मसालों में आ जाएगा। टमाटोज डालूंगी, लाइट पूरी कैप्चर कर ली है। टमाटोज मैंने डाल दिए इसमें, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि ये चीज़ें जो है जल्दी पक जाएं। चावल भी मैंने ऑलमोस्ट जो एक किलो से भी कम चिकन है, मैं आज मैं गई नहीं थी तो मैंने भाव तोल करके चिकन लिया नहीं, तो इन लोगों ने जैसे बोला वैसे उन्होंने दे दिया। बस दुकान वालों को तो उल्लू बनाना आता है, और मेरे बच्चों को अभी तक सौदा खरीदना नहीं आता, सामान खरीदना नहीं आता, तो आज तो मैं पूरा दिन बाहर नहीं गई हूँ, तब जाके गड़बड़ हुई है। इसमें मैं फिलहाल अभी मसाले का नमक डाल रही हूँ, तो बाद में मैं चावल डालने के बाद चेक करूँगी, क्योंकि हमने जो चिकन मैरिनेट किया है ना, मैं वो आपको बता दूँ कि हमने चिकन किस तरीके से मैरिनेट किया है। मैंने 2 चम्मच दही डाला है, और इसके बाद मैंने नमक इसमें डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, और हाफ टी स्पून जो है इसमें विनेगर डाला है, और हाफ टी स्पून इसमें सोया सॉस डाला है। तो इस तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया था, तो इसमें भी नमक पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम देख कर जो है वो बनाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी नहीं करनी चाहिए, गरम मसाला डालूंगी मैं 1/2 बड़ा चम्मच, तो आप देख सकते हो प्याज टमाटर ये जो है अच्छी तरीके से हो गया है। अब जो है मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, मटर जो है वो पहले डालने थे लेकिन मेरे को याद नहीं रहा, तो अब मैं मटर इसमें अभी डाल रही हूँ। ये चिकन तो जल्दी गल जाता है, बट मटन जो है ना, ये देखिए अब ये गलने भी लगा है, तो मटर जो है वो इसको टाइम लगता है पकने में। अच्छा, तो अब एक मेन इंग्रेडिएंट रह गया है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। ये फ्रेंड्स मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं अंदाजे से डाल देती हूँ और मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। पड़ेंगे आलू। अब चावल मैंने जो है वो धो के रख दिए हैं, अब
थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे ताकि चावल जो हमारे हैं वो जल्दी से पक जाएं। तो पानी क्योंकि तो मैंने अभी एक जो लोटा है भर के पानी डाला है चावल का पानी लगेगा तब हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने डाला है ताकि ये जो आलू है मटर है और हमारा गोश्त थोड़ा सा ये इसमें पक जाए। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा स्लो और ढक देंगे ढक्कन। तो फ्रेंड देखिए ऑलमोस्ट ये जो मटर थे ये भी पक चुके हैं इसके अंदर। अब इसमें हम चावल जो है वो छोड़ देंगे। ये बस मैं थोड़ा ही अंदाजे से पानी डाल दी हूँ। अंदाजा आपका चावल का इतना होना चाहिए कि जैसे आप देख लीजिए चावल नीचे है और ये ऑलमोस्ट इतना जो है पानी इसके ऊपर है। अगर चावल आपने भिगाया है तो इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब एक बार हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसमें सिर्फ दो चीजें डाली हैं और इसको हम ढककर रख देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाली हूँ, थोड़ा सा। तो ये सोया सॉस था तो मैंने विनेगर बोल दिया, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि आज मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है दिमाग, और विनेगर भी मैंने आधा चम्मच डाल दिया। थोड़ा सा ये भी चेंज किया है इसके अंदर, इससे क्या होगा कि जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। और मुझे हमेशा टेस्ट चेंज करने की आदत है और मुझे पसंद है कि जो हम नॉर्मली जो चीज बनाते हैं उसमें भी जो है थोड़ा बहुत टेस्ट जो है वो चेंज होता है, तभी तो कुकिंग का मजा आता है। तो फ्रेंड्स अब इसको मैं ये ऑलमोस्ट डन है, मैं इसको ढक कर रख रही हूँ और 10 मिनट के बाद देखूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको हमने दम पे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये चावल आधे कच्चे पके हैं तो ये दम पे आराम से हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स आज तो मैंने आपके साथ में झटपट वाली जो है पुलाव की रेसिपी शेयर की, वो तो पहले भी शेयर किया था लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चाइनीज टच दिया है। तो मतलब हम एक ही रेसिपी को बार बार जो है थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं तो खाने में भी अच्छी लगती है और बोर भी नहीं होता बंदा। तो साथ में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी चैलेंज वीडियो। अब वो चैलेंज क्या होता है वो हम सोच के बताएंगे, बट मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी जैसे हमने गोलगप्पा चैलेंज किया था उसी तरीके से हम आलू टिक्की और कुलचे का हम जो है वो चैलेंज करने वाले हैं। मतलब कुलचा होगा, कुलचे में आलू टिक्की डाल के तो उसके साथ तीखी चटनी होगी और वैसा चैलेंज करेंगे कि हम तीन बंदे हैं कितना खा सकते हैं उसको। तो वो चैलेंज हमारा होगा, तो मे बी एक या दो दिन के बाद वो वीडियो आएगी क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और आपको तो पता ही है कि हमारा जो मंडे से जो दिन स्टार्ट होता है वो पूरा शाम तक के हमारा ट्यूशन्स, पार्लर, घर, नमाज, यही सारा मतलब होता है। आज तो मेरी टोटली नमाज छूट गई, सिर्फ मैंने फजर पढ़ी थी और उसके बाद नींद पूरी ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, लेकिन जब सो के उठी तो अच्छा लगा। और फिर अभी फिर से सो जाऊंगी तो कल के लिए फिर फ्रेश हो जाऊंगी,
फिर उसके बाद हम टाइम निकालेंगे और टाइम निकाल के जो है ये चैलेंज हमने करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा चैलेंज का आएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लीजिए आपके सामने ये मेरा जो पुलाव है, चिकन पुलाव, चिकन और इसमें मैंने मटर भी डाले थे, आलू भी डाला था और थोड़ा सा जो है मैंने इसको चाइनीज टच दिया था। तो बस अब देखते हैं खा के कि कैसा बना है, और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, खाएं, बनाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलूंगी आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक चैलेंजिंग वीडियो के साथ मिलूंगी, चैलेंज की वीडियो के साथ मिलूंगी। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा चैलेंज कर पाते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।